नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूँ नितेश। दोस्तों, मार्केट में इन दिनों बड़ी तगड़ी हलचल मची हुई है और जिसे देखो वो दौड़ा जा रहा है सीधा सीधा मेडिकल शॉप्स की ओर, या फिर वो जा रहा है सीधा सीधा कॉस्मेटिक शॉप की ओर। ये दो ही शॉप ऐसी है जहां आपको सैनिटाइजर मिल जाता है। और देखे तो आजकल तो बड़े बड़े परचूनी वाली दुकान है या फिर आपके मॉल्स हैं, इनमें भी आपको सैनिटाइजर मिल जाएंगे। लेकिन हालात क्या हो रखे हैं, जो सैनिटाइजर आपके 100 रुपए का है वो आपको 500-600 रुपए में मिल रहा है, यानी कि इनका कोई रेट बाजार में फिक्स नहीं है। और सरकार लगातार इस पर छापेमारी भी कर रही है। इसके बाद भी दो चीजें हो रही हैं, या तो आपको ये अवेलेबल नहीं होगा, और होगा तो आपको मुंह मांगी कीमत पर ही खरीदना पड़ेगा। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि सैनिटाइजर का क्या यूज है, कैसे करना है, और ये किस प्रकार आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है। अब बात आती है कि मान लीजिए आप 600 रुपए 500 रुपए का सैनिटाइजर नहीं खरीद पाए तो आपको क्या करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके पास सैनिटाइजर नहीं है तो क्या वो बीमार हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं सैनिटाइजर की। तो सैनिटाइजर की ये जो बोतल आप देख रहे हैं ये मेरे पास अवेलेबल है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये 500 ml का बोतल है, और 500 ml के बोतल की जो रेट है वो है 600 रुपए, ठीक है, यानी कि आधे लीटर की बोतल और 600 रुपए इसका प्राइस यहाँ रखा गया है। और अब इसको यूज करने की एक बार स्थिति आप देख लें। जब आप सैनिटाइजर यूज करें तो यूज करते टाइम केवल 2 या 3 बूंदे ही आपको हाथों पर डालनी है, और फिर उसको हाथ को अच्छी तरीके से रब करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम हाथ धोते हैं, पहले सीधा फिर उल्टा फिर अपनी ये मुट्ठियां फिर अंगूठे और नेल्स, इस प्रकार पूरी तरीके से सैनिटाइजर यूज करना है। अब सैनिटाइजर का असली रोल एक बार सुन लें आप। सैनिटाइजर एक्चुअल में होता क्या है कि ये किसी भी प्रकार के कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है, यानी कि किसी प्रकार के अगर कीटाणु आपके हाथों में है तो ये उनको नष्ट कर देता है, लेकिन आपके हाथ साफ नहीं करता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सैनिटाइजर यूज करने से पहले बेटर है कि आप हाथ साबुन से धो लें अच्छी तरह, ताकि मैल आपका हाथों से निकल जाए। उसके बाद सैनिटाइजर की 2 या 3 बूंदे आप हाथों में डालें और उसको अच्छे तरीके से रब कर लें। अब जब आपने सैनिटाइजर यूज किया है तो एक बात ध्यान रखना है, ना तो अपने रुमाल से इसको पोंछना है हाथों को आपको, ना ही कपड़ों के इस तरह पोंछना है, ना ही किसी टॉवल से पोंछना है। तो करना क्या है, आप हाथों को थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, या फिर हवा में आप उन्हें सुखा सकते हैं। हाथ धोने के बाद भी आपको यही करना है, ठीक है ना, तो यही आपके कीटाणु से बचाव होता है। अब बात आती है कि सैनिटाइजर कौन सा लें, कैसा लें। तो ब्रांड पर ना जाइए, केवल ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर हैं और जो मेडिकली प्रमाणित है वही आपको लेने चाहिए। ये मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, वीडियो में मैंने नीचे लिंक भी दिया है। रेट्स का भी हाल में कुछ नहीं कह सकते, जिस भी रेट में मिल जाए आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना महंगा सैनिटाइजर नहीं ले सकें तो आपको क्या करना है, उस बारे में भी एक बार आपको फोकस कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप सैनिटाइजर ले तो आए, लेकिन ये आपके यूजफुल नहीं रहेगा आपके लिए अगर आप इन प्रिकॉशंस का फॉलो नहीं करेंगे तो। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये सैनिटाइजर जितने भी हैं ये मेडिकल बेस होते हैं, और इन्हें 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये किसी भी काम के नहीं होते। तो इसलिए जब आप इन्हें लाएं तो ठंडे स्थान पर रखें, ऐसे स्थान पर जहां तापमान कम से कम 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाए। हालांकि अभी तापमान वैसे भी 30 डिग्री से ऊपर नहीं गया है, फिर भी जब भी आप रखें तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सीलन वाले स्थान पर इन्हें नहीं रखना है, सूखे स्थान पर इन्हें आप रखें। तो बाथरूम में भी आप इन्हें रखें तो आप ऐसे स्थान पर रखें जहां सीलन नहीं हो। तीसरी बात, जब आप हाथों को इनसे साफ करें तो अपने आंख नाक मुंह कान वगैरह को नहीं छूना है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। कम से कम 20 मिनट तक आपको ना तो उन हाथों से कोई खाना खाना है, ना ही उन हाथों से कोई किसी चीज को यूज करना है, ना ही टच करना है, ठीक। बच्चों की पहुंच से इन्हें दूर रखना है, क्योंकि बच्चे काफी कोमल होते हैं। सैनिटाइजर एल्कोहल बेस होता है, मेडिकल बेस भी होता है, केमिकली एक तरह का ये, तो ये थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को पहुंचा सकता है। और जब भी आप इसे यूज करें तो 2-3 बूंदों से ज्यादा नहीं करें। कई बार कुछ लोग काफी सारा डाल लेते हैं और उस अच्छी तरीके से हाथों कर लेते हैं तो हाथ बहुत गीले हो जाते हैं। ग्लिसरीन बेस भी सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध है, वो थोड़े चिपचिपे टाइप होते हैं, तो उनसे लॉस क्या है कि जैसे और बल्कि गंदगी आपके हाथों में चिपक सकती है, तो उससे भी हमें बचना है। इनका थोड़ा सा लॉस भी है, नुकसान भी है। एक्चुअल में इसमें अल्कोहल होती है, हम ज्यादा यूज करेंगे तो बाद में हमारे हाथों में खुजली या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है आगे जा करके, तो ये भी याद रखना है, इसको लिमिट में यूज करना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप साबुन से हाथ धोएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है
तो क्या होगा, तो क्या आप बीमार पड़ जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका एक ओरली विकल्प और है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये मेरे हाथ में एक छोटी सी शीशी है, इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। ये भी एक छोटा सा विकल्प है जिससे कि आप बच सकते हैं सैनिटाइजर अगर आपके पास नहीं है तो। एक्चुअल में ये स्प्रिट है और स्प्रिट सामान्य रूप से आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और मेडिकल शॉप से भी आपको मिल जाती है, लेकिन इसका प्रिकॉशन सैनिटाइजर से ज्यादा है, बच्चों की पहुंच से बिल्कुल आपको दूर रखना है। अब ये उसके विकल्प क्यों है? पहली बात तो ये है कि ये सैनिटाइजर से ज्यादा इफेक्टिव है, एक बात। सैनिटाइजर से काफी सस्ती है, दूसरी बात। और जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे पैक में भी उपलब्ध है सैनिटाइजर, फिलहाल बड़े पैक में उपलब्ध है, उसके रेट भी काफी बड़े हुए हैं। तो ये स्प्रिट की ये शीशी आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अब ये इफेक्टिव ज्यादा है, आपने देखा होगा डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ऑपरेशन करने के बाद या सर्जिकल कोई भी प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के बाद वो हाथ साफ करते हैं तो वो स्प्रिट को ही यूज करते हैं। तो आप स्प्रिट को यूज करने का तरीका क्या है, जैसे कि ये मेरे हाथ में छोटी शीशी है तो इसमें आप यहाँ छोटा सा छेद करें, केवल ऑल पिन जितना, ठीक है ना, ऑल पिन से आप छेद कर लें और वॉश बेसिन के सरफेस पर आप इसे गिरा लें, दो तीन बूंदे उसमें से रुई का फहा बना करके साफ कर सकते हैं, या फिर इसकी एक या दो बूंद हाथ में लेकर के इससे भी साफ कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको 15-20 मिनट तक इन हाथों से ना तो कुछ खाना है, ना ही किसी चीज को टच करना है और ना ही किसी चीज को छूना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिट एक ऐसी चीज है जिससे आपको बचना बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि मामला माहौल ऐसा चल रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या करें, फिर बेटर है आप गर्म पानी, अच्छी तरीके से गर्म पानी करें, नमक डाल करके, और उस नमक के पानी से भी हाथ धो सकते हैं, नींबू के पानी से भी हाथ धो सकते हैं। ये उतना इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बाजार से परचेज करने की स्थिति में नहीं है, कहीं से बाहर से आ जा रहे हैं, तो साबुन से हाथ धोने के बाद आप नमक के पानी में हाथ को भी बिल्कुल विसंक्रमण हाथों का कर सकते हैं। इससे भी कीटाणु काफी आपको आपके हाथों से भाग जाएंगे और आपसे दूर रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो जिस तरीके से नीम के पत्ते हम यूज करते हैं तो उनका भी पानी उबाल कर रख सकते हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन ये मेडिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आजकल जमाना जिस तरीके का है तो थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज सब कुछ कर रहे हैं। काफी लोग तो ऐसे हैं जो कि स्टेटस दिखाने के लिए सैनिटाइजर यूज करते हैं, या फिर सफर में आपने देखा होगा बार बार उनको करते हैं, वो एक साइको वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। एक विशेष चीज और है, जब भी आप इसका यूज करें, यानी कि स्प्रिट का यूज करें, तो आप इसको एक स्वच्छ पानी में पानी उबाल कर ठंडा कर लें, या फिर साफ पानी में इसकी एक दो बूंदे मिलाने के बाद उस पानी से भी आप हाथ धो सकते हैं, तो भी ये अच्छी कारगर है। लेकिन आपको प्रिकॉशन यही रखना है कि इसको यूज करने के बाद आप किसी भी चीज को, खाने पीने की चीज को, या अपने हाथ मुंह को इस तरह से नहीं छुएं। अब सबसे बड़ी बात यही है, मैंने आपको लास्ट में कहा कि जैसे आप मान लीजिए किसी भी चीज को बाजार से परचेज नहीं कर सकते और किसी भी चीज को खरीदने में सक्षम नहीं है, और इतना अड़ंगा भी आपसे नहीं लगाया जाता कि आप पानी गर्म करेंगे या नींबू का पानी करेंगे, इस तरह से करेंगे, तब फिर आप क्या करेंगे? अब सीधी सी बात है, जर्म्स तो हाथों में रहते ही है, और ये टाइम भी ऐसा चल रहा है कि जर्म से आपको मुक्त होना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार ने बंद भी करवाया है और लॉकडाउन भी करवाया है और सैनिटाइजेशन भी चल रहा है और पता नहीं क्या क्या आइसोलेशन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा टिपिकल है। तब आप क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति 20, 25, 50 रुपए तो खर्च कर ही सकता है। तो उसके लिए भी एक चीज अवेलेबल है मार्केट में जो इजीली मिल जाती है, वो आपको पूरी तरीके से किसी भी तरीके के कीटाणुओं से प्रोटेक्ट कर सकती है। वो ये है आपके ये इस तरीके के सर्जिकल ग्लव्स। आप इन ग्लव्स को मार्केट से खरीद सकते हैं और इनको यूज करने के बाद आपको किसी भी तरीके के जर्म्स आपके हाथों में अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप ग्लव्स को जब हाथों में डाल लेंगे तो आपके किसी भी तरीके के जर्म ना तो हाथों में आएंगे और ना ही आपको किसी भी तरीके के बाद में सैनिटाइजर महंगे या फिर आपको स्प्रिट या फिर कोई और अड़ंगा लगाने की जरूरत है, ना ही आपको ज्यादा साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। फिर आप इन ग्लव्स को हल्के से बिल्कुल तरीके से उतार के इस तरीके से रिमूव कर दें और इसके बाद आप इनको फेंक सकते हैं और हाथों को साबुन से धोने के बाद आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप पूरी तरीके से संरक्षित हैं। स्प्रिट अगर आप यूज करते हैं तो इसको आग पानी वगैरह से भी दूर रखना है, यानी कि ये थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली चीज है। मैं हालांकि इसका सजेशन नहीं देता, पर अल्टर के तौर पर मरता क्या न करता वाली स्थिति आ जाए तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। बेस्ट यही होगा कि आप सैनिटाइजर का यूज करें, अच्छी कंपनी का सैनिटाइजर लें, थोड़ा महंगा आता है तो कोई बात नहीं, बट एल्कोहल बेस्ड जरूर होना चाहिए। उनको आप ढंग से देख लें, सैनिटाइजर के ऊपर लिखा होता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसके प्रिकॉशन क्या क्या है, इसको यूज कैसे करना है, सब उस पर डिटेल भी होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।